वह अस्वस्थ रहा है, वह एक खिलाड़ी रहा है, वे सफल रहे हैं, वह डॉक्टर रहा है। तो आज हम सीखेंगे कि इस प्रकार के सेंटेंस इंग्लिश में कैसे बोले जाएं। तो इसके लिए स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं हम। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं और उसके बाद हैज़ बीन या फिर हैव बीन। एक वचन है यदि कर्ता तो हैज़ बीन, बहुवचन है तो हैव बीन। उसके बाद हम एडजेक्टिव या नाउन लिखते हैं, यदि नाउन होगा तो नाउन, एडजेक्टिव होगा तो एडजेक्टिव। तो चलते हैं एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। तो जैसे पहला सेंटेंस है, वह अस्वस्थ रहा है, तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिख देंगे ही, उसके बाद ही एक वचन है तो हैज़ बीन, और फिर एडजेक्टिव है इल, तो इल लिख दिए। तो इस प्रकार से हो गया ही हैज़ बीन इल। अगला सेंटेंस, वह एक खिलाड़ी रहा है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट ही, उसके बाद हैज़ बीन अ प्लेयर, तो ही हैज़ बीन अ प्लेयर। एक और एग्जाम्पल, वे सफल रहे हैं, तो इसे कहेंगे दे, यहाँ बहुवचन है तो हैव बीन, दे हैव बीन सक्सेसफुल। अगला एग्जाम्पल, वह डॉक्टर रहा है, तो वह यहाँ पर एक वचन है तो ही हैज़ बीन अ डॉक्टर। आई होप आपको इस प्रकार के सेंटेंस बनाना आ गया होगा और आप आसानी से आप बोल सकते हैं। तो यदि वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक फॉर वॉचिंग गाइस।